नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने संगीत से जुड़ी हुई एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे लास्ट पलटे के बारे में। तो देखिए, मैंने आपको 3 ताल का एक कायदा बताया था, उसके आगे पलटे चल रहे हैं। और जो शुरू से तबला सीखना चाहते हैं वो फर्स्ट डे से लेकर अभी तक जितने हमारे लेसन हो चुके हैं उन सभी वीडियोस को देखकर बड़ी आसानी से तबला सीखना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे लास्ट पलटे के बारे में। तो आज हम जो लास्ट पलटा बजाने वाले हैं उसके बोल हैं नागे 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 गेना 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 गे गे नाना नाके नाके नागे गेना 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 गे गे नाना। तो देखिए, लास्ट में नाके 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 केना ये भी लगा सकते हैं आप, गे गे भी लगा सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इसे बजाना। पहले हम स्लो स्पीड में बजाएंगे। देखिए, नागे 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 गेना 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 गे गे नाना नाके नाके नाके। अब देखिए यहाँ पर सॉरी मैं बीच में रुक रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो मैंने आपको बताया नाके 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 केना, तो के आप इकट्ठा लगा सकते हैं या गे गे लगा सकते हैं। और अगर स्पीड को ज़्यादा आप बढ़ाना चाहते हैं तो के लगा लें। कैसे? नाके 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 के ना, ये कर लीजिए। नाके 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 के ना गेना गेना गे गे ना ना। और हेडफोन जरूर लगा लें आपको साउंड का, तभी पता चलेगा। तो चलिए फिर अब पूरा बजाते हैं इसे। नागे 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 गेना 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 गे गे ना ना नाके 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 के ना गेना गेना गे गे ना ना। तो ये हमारा आज का पलटा है। तो देखिए, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आपको होने वाली है, कहाँ पर समस्या हो सकती है, तो पहले ही बता रहा हूँ। तो देखिए, पहले स्टार्टिंग में ही आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे? देखिए, इसमें नागे नागे पहले आ गया, इसमें ना जो बोल है वो पहले आ गया है। तो इसको कैसे बजाएं? तो आपने करना है पहले नागे नागे का रियाज कर लीजिए। नागे 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 नागे, पहले इस उंगली से और फिर फर्स्ट फिंगर से, पहले सेकंड फिंगर से फिर फर्स्ट फिंगर से। मैंने बताया हुआ सेकंड फिंगर पर आपने दबाना है यहां से हथेली को, और फर्स्ट फिंगर से आपने छोड़ना है। कैसे? ऐसे। बस अब देख लीजिए, नागे 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 ना। अब देखिए, गे गे, ये जो हमारा गे गे है यही इसमें चल रहा है। देखिए, नागे 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 नागे। तो एक बार मैं दबा रहा हूं, एक बार छोड़ रहा हूं, बस ये आपने ध्यान में रखना है। इसका 5 मिनट आप रियाज कीजिए धीरे धीरे स्लो स्पीड में, फिर इसको आप एक कंफर्टेबल हाई स्पीड में लेकर जाएं। उसके बाद आप जब आपको लगे कि ये बड़ी आसानी से निकल रहा है तो आगे वाले पूरे बोल बजाएं। अब देखिए, दूसरी आपको कहां पर समस्या हो सकती है, नाके 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 के ना नाके 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 के ना। तो देखिए, इसमें भी उल्टा है, नाके नाके, तो इसका रियाज कर लीजिए। अब ये जो है आप 5 मिनट इसका रियाज कीजिए और कंफर्टेबल स्पीड में लेकर इसको रियाज में अच्छे ढंग से बजाइए। और इसके बाद जब ये जो हो जाए तो फिर आगे वाले बोल बजाइए। कैसे? नाके 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 के ना, बस इतना बोल बजाइए इसको, 5 मिनट रियाज कीजिए। नाके 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 के ना नाके 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 के ना नाके 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 के ना। तो देखिए, मैं तो थोड़ा स्पीड में बजा रहा हूँ पर आपने स्लो स्पीड में रियाज शुरू करना है। तो चलिए अब इसको मैं पूरा बजाकर आपको दिखा रहा हूँ। नागे 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 गेना 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 गे गे नाना नाके 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 के ना गेना गेना गे गे नाना। देखिए, अब मैं बिना बोले इसको बजाऊंगा थोड़ी देर। ऐसे आपने रियाज शुरू करना है स्लो स्पीड में, इससे भी स्लो करें और फिर एक कंफर्टेबल स्पीड में इसको लेकर जाएं हाई स्पीड में, और वहां तक इसका रियाज अच्छे ढंग से कर लें। फिर इसके बाद आपने क्या करना है, मैं आगे आपको अब जो वीडियो आने वाली है उसमें आपको मैं नगमे के साथ ये सारे पलटे और कायदा, मैं आपको कायदा पहले फिर उसके पलटे मैं आपको ये सारे बजाकर दिखाऊंगा नगमे के साथ कैसे बजाएं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है वो वीडियो,
आप उसको जरूर देखें। तो अब जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली वीडियो में, मैं उनके आंसर आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, हर वीडियो में आपके मैं हर प्रश्न का आंसर देता हूँ। तो एक दोस्त ने कहा था कि सर तिरकिट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो देखिए, तिरकिट से जुड़ी हुई बहुत वीडियो आपको 3-4 वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, जिसमें मैंने अलग अलग टेक्निक से बताया हुआ है कि तिरकिट को अच्छे ढंग से कैसे बजाएं और उसको स्पीड में कैसे बड़ी आसानी से बजा सकते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और तिरकिट तक तिरकिट के बारे में भी पूछा गया था, तो वो भी उससे भी जुड़ी हुई वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और उसमें मैंने कायदा इस कायदे के बारे में भी बात की है और उनके पलटों के बारे में भी, वो भी आप वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए, अगला जो क्वेश्चन था उसने मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि सर जो मेरे तबले की स्याही है वो खराब हो गई है, क्या स्याही को चेंज किया जा सकता है? तो देखिए, स्याही को चेंज किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। बट अगर आपकी जो पुड़ी है, यानी कि जो आपकी पुड़ी है, स्किन है तबले की, वो खराब है, तो अगर आप उसमें स्याही को चेंज करेंगे तो कोई भी साउंड का जो साउंड है वो उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। पर एक और बात आपको मैं बताने वाला हूँ, जैसे सेकंड टाइम आप कभी भी स्याही करवाते हैं, वो तबले की साउंड जो पहले होती है वो दोबारा वैसी नहीं बन पाती। तो मैंने बहुत सारे तबले देखे, जिसमें बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ने भी, बहुत सारे दोस्तों ने भी तबले की स्याही को चेंज करवाया था, पर जो उनकी साउंड जो पहले थी तबले की, वो साउंड बराबर वैसी नहीं बन पाई। तो इसलिए कोशिश करें कि इसकी केयर ज़्यादा करें, इसको ढक कर रखें अच्छे ढंग से, और इसके लिए अच्छे जो कवर हैं, मैंने एक वीडियो में बताया था, अच्छे तबले के कवर ले लें, जिसकी जो ऊपर पलाई से बना होता है, जो लकड़ी से बना होता है, और नीचे उसके बहुत अच्छा कपड़ा लगा होता है, जिससे कभी भी हमारा जो पुड़ी है उसको नमी नहीं आती और कभी भी वो खराब नहीं होता, ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा सर्दी में। तो इसलिए तबले को ढक कर रखें, अच्छे ढंग से कवर करके रखें और बैग में डाल के रखें, और आपको वाटरप्रूफ जो बैग हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो एक दोस्त ने कहा था कि क्या सर इन कायदों और जो पलटे हैं इनके बारे में, अगर आपने जैसे हमें बताया हम वैसे रियाज ना करना चाहें, तो क्या हम अच्छे ढंग से आगे चलकर तबला बजा सकते हैं कोई और टेक्निक से? तो देखिए, मेरे हिसाब से कोई ऐसी टेक्निक नहीं बनी है जिसमें आप बड़ी आसानी से इन कायदों पलटों के बिना आप आगे बढ़ सकें। तो देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी उंगलियों का जो चलन है बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है, और आगे चलकर हमें किसी भी बोल को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और देखिए, अगर हम जल्दबाजी से तबला सीखेंगे, जल्दी करेंगे और अच्छे ढंग से टेक्निक में तबला नहीं बजाएंगे, तो आगे चलकर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और जो सही नहीं होती। तो इसलिए टेक्निक सही यही है, कायदा करें, उसके पलटे बजाएं, फिर नगमे के साथ प्रैक्टिस करें अच्छे ढंग से। जो बोल नहीं निकल रहा है, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि पहले बोलों का फिर उनका रियाज कर ले, ताकि वो अच्छे ढंग से निकल जाए। तो आपके जो प्रश्न थे मैंने उन सभी का आंसर बता दिया, और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप मैसेज कर सकते हैं वीडियो के नीचे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप संगीत के परिवार से बहुत आगे बढ़ सके। और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं कि आप संगीत के क्षेत्र में बहुत आगे जाएं और बहुत ही अच्छे ढंग से तबला बजाएं, हारमोनियम बजाएं, जो भी इंस्ट्रूमेंट संगीत में बजाएं, और आपका बहुत ज़्यादा नाम हो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।